एक दो तीन हो। हाँ, काफी माल पानी आया है। हो तो हे दोस्तों, आप लोग वी फॉरवर्ड दोस्तों, मैंने फ्लिपकार्ट में बिकने वाले लगभग सारे के सारे एशियन पेंट कंपनी के स्प्रे कलर्स मंगा लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग इन सारे के सारे कलर्स को टेस्ट करने वाले हैं और देखेंगे कि भाई इनकी क्वालिटी कैसी है, क्या ये कहीं पतले तो नहीं, एकदम कोई फिनिशिंग ना दें, इनकी फिनिशिंग कैसी आती है, ये सब हम लोग चेक करने वाले हैं। और वैसे मैं आपको बता दूँ, अभी तक मैं जो भी स्प्रे कलर्स यूज़ करता था इस तरीके से, वो मेड इन चाइना थे, यानी कि चाइना से इम्पोर्ट होते थे। लेकिन इन एशियन पेंट कंपनी कलर्स में मैंने देखा, जो मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स लिखी हुई है, मुंबई की लिखी हुई है, यानी कि मुंबई में बने हुए हैं, यानी कि ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट हैं या फिर हो सकते हैं। अब पता नहीं इन्होंने क्या किया है, लेकिन जो कुछ लिखा है इससे तो यही मालूम चलता है कि मेड इन इंडिया है। तो एटलीस्ट हम लोग इन मेड इन इंडिया स्प्रे कलर्स को टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि इनकी क्वालिटी कैसी है, क्योंकि आजकल बहुत से लोग इन स्प्रे कलर्स का यूज़ करते हैं अपने छोटे मोटे काम में, अपने DIY में, अपने क्राफ्ट में। तो चलिए इनकी टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग इन कलर की टेस्टिंग करने वाले हैं ग्लास की सरफेस पे, उसके बाद हम लोग मेटल की सरफेस पे भी करेंगे। वैसे तो ये कलर्स हैं, इनका यूज़ हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है पेपर, कैनवास, मेटल, वुड, वॉल पे कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ, इस ग्लास का मैंने एक और चीज़ को टेस्ट करने में यूज़ किया था, जो कि था ये एशियन पेंट की तरफ से आने वाला फ्रॉस स्प्रे। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग आई बटन में जाकर देख सकते हैं, वैसे आजकल आई बटन नीचे चला गया है। तो सबसे पहले टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं ग्लास की सरफेस पर। यहाँ पे मैंने 9 बराबर हिस्से बना लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 9 से 10 कलर तो है ही। तो चलिए इस पर स्प्रे करके देखते हैं, देखते हैं कैसा कलर आता है ग्लास के ऊपर। ग्लास के सरफेस पे सभी सेट्स का फाइनल रिजल्ट, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, फाइनल रिजल्ट कैसा होगा ये बहुत डिपेंड करता है कि आपकी सरफेस कैसी है, वो पहले कौन से कलर की थी, और इसी हिसाब से फाइनल रिजल्ट बदल भी सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना। और सबसे पहले तो ये देखो, ये वाला व्हाइट कलर कुछ ज़्यादा ही शाइन कर रहा है ना, इस वाले व्हाइट कलर की तुलना में। आप लोग ध्यान देखो, आपको साफ साफ नजर आया कि ये वाला व्हाइट कलर ज़्यादा शाइन कर रहा है। और ये वाला है, ये जो मैंने ऑफलाइन मार्केट से लिया था एशियन पेंट का, ये ब्लैक कलर के कैन में आने वाला स्प्रे, जो कि 200 रुपये का मुझे पड़ा था, लेकिन जो मैंने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से मंगाया है एशियन पेंट इजी CRA एप्को लाइट, ये वाला वाइट थोड़ा कम शाइनिंग दे रहा है, आप लोग खुद से देख सकते हैं। और बाकी के कलर्स की, बाकी के सेट्स की बात करें तो लगभग सब में शाइन जरूर है। और हाँ, जो सेट हल्के कलर वाले हैं उनकी सिंगल कोट सही नहीं आई है, आप लोग खुद देख लो, सिंगल कोट में हल्के सेट सही नहीं आए, यानी कि डबल या फिर ट्रिपल कोट तो लगाना ही पड़ेगा। और जो सिल्वर और गोल्ड वाले थे, ये कुछ ऐसे आए हैं, इन्हें थोड़ा सावधानी से पेंट करना होगा, मैंने थोड़ा लापरवाही कर दिया था। तो मेटल सरफेस पे टेस्ट करने के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं इस कूलर का, बढ़िया जगह है ना, बड़े जुगाड़ है ना, जुगाड़ भी बढ़िया है और जगह भी बढ़िया है, कूलर मस्त पेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं 16 स्क्वायर बना लिया हूँ कुछ इस तरीके से, यहाँ पे हम लोग 16 अलग अलग कलर पेंट करने वाले हैं। तो मेटल पे भी मैंने सारे सेट्स पेंट कर दिए हैं, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा भी हैं, चाइनीज़ वाले और नॉर्मल ब्रश वाले पेंट भी मैंने इंक्लूड किए हैं आपको अंतर दिखाने के लिए। ये चाइनीज़ वाला है, ये चाइनीज़ वाला है, और ये बजर पेंट है जो कि नॉर्मली शॉप पे मिलता है, और ये भी बजर पेंट है ब्रश वाला, ठीक है। और ये गोल्डन कुछ ऐसा आया है यहाँ पे, और सिल्वर कुछ ऐसा आया है। बाकी के वाइट कलर को ध्यान रखो, वो वाला वाइट कलर कुछ अलग ही दिख रहा है बजर वाला,
और स्प्रे वाले वाइट कलर कुछ अलग दिख रहे हैं, तो इतना अंतर है स्प्रे वाले और ब्रश वाले वाइट कलर में। और यहाँ पे जो मैंने ये ब्राउन कलर यूज़ किया, ये कोई अलग ही स्पेशल टाइप का शेड है, इसके लिए मैं एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा, काफ़ी खास कलर है। तो ये थे फ्लिपकार्ट में अवेलेबल एजे पेंट स्प्रे की तरफ से आने वाले सारे के सारे शेड्स, जो कि मैंने आपको ग्लास की सर्फेस पे और आयरन की सर्फेस पे स्प्रे लेकर दिखाए। अगर आपको इनमें से कोई भी कलर का स्प्रे लेना है तो मैं सबके लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ पे जाकर ले सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जितनी एम आर पी इसमें लिखी हुई है सेल के दौरान ये उसके जस्ट आधे या फिर आधे से भी कम कीमत में बिकते हैं। तो जिस प्राइस पे मैंने ये स्प्रे पेंट्स लिए हैं, तो मुझे लगता है मार्केट में अवेलेबल ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा ब्रांडेड स्प्रे पेंट्स को लेके। तो वैसे आपको ये स्प्रे पेंट्स कैसे लगे कमेंट में बताना, जिनकी टेस्टिंग के दौरान दो किरो ने अपनी जान भी गंवाई।